अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अल्कोहल से भी ईथर बना सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का ध्यान से देखिएगा ये डिहाइड्रेशन जो कि H2SO4 से होता है कम टेम्परेचर पर कराओगे तो ईथर बनेगा। बताता हूं कैसे। अगर आपने टेम्परेचर कम रखा तो ईथर बन जाता है। कैसे? मान लीजिए कि आपने ये दो यूनिट ली और यहां से इसका रिएक्शन करवा दिया H2SO4, मतलब H2SO4 पानी निकालने का काम करता है पर इस बार दो यूनिट से निकालेगा और टेम्परेचर आपको 140 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, तो इन दैट केस पानी निकलेगा ऐसे, तो क्या बन गया? ROR। और अगर आपने यहां पर टेम्परेचर ज्यादा ले लिया होता तो फिर ईन बनता, एल्कीन बनता। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनता है, याद रखना, ठीक है? सो लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनता है, तो आपको ध्यान रखना है लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनेगा H2SO4 के साथ 140 डिग्री पे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं है, ये देखो वही वही वाला रिएक्शन है। OH सबसे पहले क्या करोगे? NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो उसका वो एसिडिक हाइड्रोजन हटा देगा तो ONa बन जाएगा। तो उसके बाद RX से रिएक्शन कराओगे तो Na ले जाएगा X, NaX और R वहां जुड़ जाएगा। बहुत आसान है। तो यहां पर अगर आप इसको एनिसोल बोलते हैं, जिसको रिएक्शन समझ में नहीं आई तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आती एक बार, तो आप ये लीजिए सबसे पहले अल्कोहल, इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाइए तो ये जो OH है वो इस H को लेके बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। फाइनली इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए किससे? RX से करवा दीजिए। तो ये जो X है वो Na को लेके NaX बनाएगा, ये R बेसिकली जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा? OR। इसको ईथर ही बोलते हैं। इजी है, बहुत इजी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगला रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके लिए आपको एल्काइल हैलाइड चाहिए, ये नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, और साथ में आप लोगों को क्या चाहिए होता है? यस, सोडियम एल्कोक्साइड। ये रिएक्शन तो बहुत आसान है। सो इसमें क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONa, इसका रिएक्शन आपको XR से करवाना है। सोचो क्या होगा, ये यूनिट बाहर निकल गया NaX का और आपके पास क्या बन गया? ROR। विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं इसको। दैट्स वेरी इजी। बट इन दैट केस ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है ये SN2 रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये 1 डिग्री होना चाहिए या मैक्स 2 डिग्री, बट अगर ये 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? ये SN2 रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होती है? या 1 डिग्री में या 2 डिग्री में। 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना है।